टुडे वी विल सी कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियल, ठीक है। तो कंपाउंड एपिथेलियल, तो कंपाउंड एपिथेलियल हम बता चुके थे कि इट इज मेड अप ऑफ क्या, इट इज मेड अप ऑफ मेनी लेयर्स ऑफ सेल्स। तो ये क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होते हैं, ठीक है। अभी कंपाउंड एपिथेलियल जो है इसको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, ठीक है। एक को हम कहते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, क्या कहेंगे इसको, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, कंपाउंड स्ट्रेटिफाइड। और दूसरे को हम कहते हैं दैट इज नोन एज यूरोथेलियम कहते हैं, और ट्रांजिशनल, क्या कहते हैं इसको, ट्रांजिशनल और यूरोथेलियम, ठीक है। तो दूसरे को क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल और यूरोथेलियम, ठीक है। ये तो दो तरह के हो गए, एक को कहते हैं स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, और दूसरे को क्या कहेंगे, दूसरे को कहेंगे ट्रांजिशनल और यूरोथेलियम, ठीक है। ये किस बेसिस पर था, बता चुके थे, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेचेबिलिटी पावर, स्ट्रेचिंग पावर, ठीक है। तो बेसिस क्या था, ये स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग एबिलिटी के बेसिस पर, कि स्ट्रेचेबल है कि नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है। तो देखे थे कि ये वाला क्या था, ट्रांजिशनल, ये स्ट्रेचेबल है, ये स्ट्रेच होता था, ठीक है। तो ये एपिथेलियम जो है ना, पांच से सात लेयर के बने हैं, लेकिन ये रेस्टिंग स्टेज में, ठीक है, लेकिन कह सकते हैं कि स्ट्रेचिंग स्टेज में ये छोटा हो सकता है, कितना, दैट इज कह सकते हैं कि 3 to 5 लेयर्स बन सकते हैं, टू अकोमोडेट मोर स्पेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, ट्रांजिशनल। तो ये क्या हुआ, यहां पर हम कह सकते हैं स्ट्रेचिंग है, स्ट्रेचेबल है कि नॉन स्ट्रेचेबल, तो ये कह सकते हैं इट इज स्ट्रेचेबल, STRETCHABLE, तो ये स्ट्रेचेबल होते हैं, लेकिन ये क्या है, ये वाला स्ट्रेटिफाइड नॉन स्ट्रेचेबल है, ठीक है, दिस इज नॉन स्ट्रेचेबल। तो पहला डिफरेंस तो इसी तरह हो गया कि स्ट्रेचिंग पावर के बेसिस पर ये स्ट्रेचेबल नहीं है, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, ये स्ट्रेचेबल है, ठीक है। अब देखेंगे ये जो है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम को फर्दर बांटा गया है, इसको क्लासिफाई किया गया, ठीक है, फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो पहला जो है उसको कहते हैं, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट जो है उसको कहते हैं स्क्वैमस, क्या कहेंगे, स्क्वैमस, जस्ट सिंपल में था, तो ऑन द बेसिस ऑफ शेप, तीन तरह का शेप, अगर कैसा होगा, फ्लैटेंड होगा और बहुत सारा लेयर होगा, स्क्वैमस, ठीक है। दूसरा जो कहेंगे इसको क्यूबॉइडल, क्यूब लाइक सेल्स होगा, क्या कहेंगे सर, सिंपल एपिथेलियम की तरह ही, क्यूबॉइडल, ठीक है। और अगर कैसा होगा, और ये अगर अगर कॉलमनर होगा, पिलर जैसा होगा, मींस इट इज टॉल एंड स्लेंडर सेल्स हैं, तो इसको कहेंगे कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। तो लेकिन अब यहां पर क्या कहेंगे, सिंपल स्क्वैमस, सिंपल क्यूबॉइडल और सिंपल कॉलमनर नहीं कहेंगे, यहां कहेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, दैट इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर कहेंगे यहां पर, ठीक है। ये हो गया, अब ये स्क्वैमस जो होगा क्या होगा, स्क्वैमस, ठीक है, तो स्क्वैमस होगा, तो स्क्वैमस क्या होगा, यहां देखिए स्क्वैमस मतलब ये क्या होगा, फ्लैटेंड सेल्स होंगे, ऐसे फ्लैट, ठीक है, लेकिन कितने हैं, एक लेयर नहीं है, बहुत सारे लेयर है, दो या दो से ज्यादा लेयर है, ठीक है। ये कैसा होगा, क्यूबॉइडल होगा, ये कैसा होगा, ये पिलर जैसा होगा, ठीक है, बहुत सारा। अभी आप देखिए ये स्क्वैमस जो है इसको फर्दर जो है क्लासिफाई कर दिया गया, स्क्वैमस को फर्दर क्लासिफाई किया गया है और इसको बांट दिया गया है, यहां पर देखेंगे दो पार्ट में, ठीक है, इट इज फर्दर कैटेगराइज इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। और ये दो पार्ट्स कौन कौन सा है, एक को कहते हैं केराटिनाइज्ड और एक को कहते हैं नॉन केराटिनाइज्ड। तो क्या कहेंगे, वन इज केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड, ठीक है, और दूसरा जो पढ़ेंगे उसको कहेंगे नॉन केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड। तो कहने का मतलब है आप ऐसे कह सकते हैं कि गिव व्हाट इज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, यहां देखिए केराटिनाइज्ड स्क्वैमस
सॉरी केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, आप ऐसे कर सकते हैं। अगर पूछ देगा नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वैमस, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, तो ये हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं स्क्वैमस जो होगा वो केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड होंगे। ठीक है, इट इज केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड। तो यहां पर देखिए दोनों में डिफरेंस थोड़ा देखते हैं क्या है। ठीक है, तो दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे तो केराटिनाइज्ड कहने का मतलब नाम से लग रहा है कि ये देखिए ये तो क्या है, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है। ठीक है, अब इसमें क्या हो सकता है, दो हो सकता है कैटेगरी। एक हो सकता है इसमें केराटिन आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, ये क्या है आउटर लेयर ऑफ सेल्स है, ये इनर है, और बीच में क्या होगा मिडिल हो सकता है। तो ज्यादातर क्या होता है कि आउटर लेयर ऑफ सेल्स जो है, लगभग ज्यादातर आउटर लेयर में, आउटर लेयर ऑफ सेल्स में अगर क्या का डिपोजिशन हो गया, केराटिन का, क्या हो गया केराटिन का डिपोजिशन हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, लेकिन अगर ये केराटिन नहीं है तो क्या कहेंगे इसको हम, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहेंगे। ठीक है, अंतर बस है। तो ये किस बेसिस पर हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ, आप कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस प्लस एनसी और माइनस एनसी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्या, कौन सा प्रोटीन, केराटिन। कहां पर इन केराटिन, इन कहां पर, इन मिली सेल्स कर सकते हैं, और ज्यादातर क्या है, इन आउटर मोस्ट सेल्स में। ठीक है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल्स है उनमें ज्यादा, अगर है कि नहीं है, तो अगर इसमें केराटिन है तो केराटिनाइज, नहीं है तो नॉन केराटिनाइज। तो हम डिफरेंस दोनों के बीच में, हम एक ये क्या करते हैं, डिफरेंस हम बना दे रहे हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस करके हम देख लेते हैं। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाएगा केराटिन और नॉन केराटिनाइज में, इस तरह ये देखिए। ठीक है, तो डिफरेंस क्या हो गया कि इसमें कह सकते हैं कि केराटिन क्या होगा, इसमें इन दिस वी कैन से केराटिन इज प्रेजेंट। ठीक है, केराटिन क्या होगा यहां पर, प्रेजेंट होगा आउटर मोस्ट लेयर में, तो केराटिनाइज। और इसमें हम क्या कहेंगे, केराटिन इज एब्सेंट, तो केराटिन माइनस एनटी एब्सेंट इन आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, दूसरा अब ये देखिए, अगर ये केराटिन का डिपोजिशन इसमें हो गया है केराटिनाइज में, तो केराटिन का डिपोजिशन हो गया है, तो ये केराटिन के चलते अगर डिपोजिशन नहीं हुआ था तो सेल्स कैसा था इसमें, इसमें डिपोजिशन नहीं हुआ था तो सेल्स कैसे थे, सेल्स आर वेयर लिविंग, तो सेल्स इसमें क्या है, आर कह सकते हैं लिविंग होता था और न्यूक्लियस होता था, तो सेल्स आर कह सकते हैं न्यूक्लिएटेड एंड लिविंग। ठीक है, तो इसमें जो सेल्स थे, ठीक है, वो कैसा था, उसमें न्यूक्लियस भी था और लिविंग भी था। ठीक है, लेकिन अब केराटिन का डिपोजिशन होने से क्या होता है कि सेल्स जो है ना, ये बिकम्स क्या, तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, न्यूक्लियस गैप, एंड क्या हो जाएगा, लिविंग की डेड, डेड। तो यहां याद रखिएगा कि केराटिन का डिपोजिशन होने से क्या हुआ, ये जो सेल्स थे वो नॉन न्यूक्लिएटेड और क्या कर सकते हैं, डेड हो गए। ठीक है, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा हम क्या कह सकते हैं कि थर्ड कह सकते हैं। अब ऐसे ही याद रखिए, ये क्या हुआ, एक लेयर केराटिन का डिपोजिशन हो तो एक लेयर बन गया डेड लेयर, और ये लेयर बन गया, जैसे स्किन का एग्जांपल करते हैं, स्किन, तो स्किन इज एग्जांपल ऑफ केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये क्या होता है, केराटिन का डिपोजिशन होता है, तो इससे क्या हुआ कि केराटिन का डिपोजिशन होने से जो भी वाटर निकलता था, ठीक है, जो भी वाटर, सपोज करिए कि वाटर है, ये यहां पर है तो नीचे है ना, तो नीचे से ये वाटर अगर आएगा H2O, तो ये वाटर को क्या हो गया, डेड लेयर बन गया ना, ये वाटर को निकलने से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, लेकिन केराटिन नहीं है तो इजीली क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं तीसरा डिफरेंस हम क्या कह सकते हैं कि इट ये क्या करेगा, केराटिन है तो प्रिवेंट करेगा ना, तो कह सकते हैं इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर,
ठीक है, ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करेगा, जा नहीं देगा, क्लियर कड़ा बन गया, नहीं जाने देगा बाहर, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, नहीं है तो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट और इट कैन नॉट प्रिवेंट, तो इट कैन नॉट प्रिवेंट, इट कैन नॉट प्रिवेंट इजीली जाएगा, तो इट कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वाटर। तो आपको ये याद रखना है कि ये कैन प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, ये लॉस ऑफ वाटर कर, ये प्रिवेंट करेगा, और ये क्या कहेगा, कह सकते हैं इट कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। ये और अच्छा ये बताइए, ये क्या कर रहा है, ये प्रिवेंट, ये क्या कर रहा है, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, और ये इट कैन नॉट प्रिवेंट, ठीक है। तो ये अगर ये पानी को रोक रहा है जाने से, केराटिन है ना, केराटिनाइज, तो पानी को जाने से रोक रहा है, तो ये बाहर सरफेस क्या होगा, मेनली मॉइस्ट की ड्राई, तो ड्राई होगा ना, लेकिन ये केराटिनाइज नॉन केराटिनाइज है, तो नॉन केराटिनाइज सेल है, तो ये पानी को जाने से रोक नहीं सकता है, तो पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी बाहर निकल रहा है तो सरफेस को कैसा रखेगा, ये सरफेस को मॉइस्ट, ठीक है। जैसे ये बकल कैविटी, तो बकल कैविटी में हमेशा देखते हैं क्या होता है, सरफेस अंदर ये हमेशा भीगा रहता है, क्यों, बिकॉज इट इज कवर्ड बाय नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, तो नॉन केराटिन है मतलब केराटिन नहीं है, तो वाटर का लॉस को क्या कर रहा है, रुक नहीं सकता है, और ये हमेशा क्या होगा, मॉइस्ट, ठीक है। लेकिन स्किन क्या होता है, हमेशा ड्राई होता है, तो हम कह सकते हैं कि नॉन केराटिनाइज्ड जो है इट कवर्स वाटर, इट कवर्स द ड्राई सर्फेस और मॉइस्ट सर्फेस, तो ये कह सकते हैं अगला डिफरेंस कि इट कवर्स कवर्स मॉइस्ट सर्फेस ऑफ स्किन, कोई भी है मॉइस्ट सर्फेस को कवर करेगा, ठीक है, तो इट कवर्स मॉइस्ट सर्फेस ऑफ स्किन, तो ये मॉइस्ट सर्फेस को, तो कोई भी मॉइस्ट सर्फेस है सब हो जाएगा, जैसे लिप्स कहते हैं हमेशा भीगा रहता है, माउथ होता है मींस बकल कैविटी, उसी तरह देखेंगे फैरिंग्स हमेशा मॉइस्ट रहता है, इसोफेगस हमेशा मॉइस्ट रहता है, ठीक है। उसी तरह कॉर्निया आंख का देख रहे हैं, हमेशा भीगा रहता है, सूखा कभी नहीं होता है कॉर्निया, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बताए थे वजाइना, वजाइना हमेशा मॉइस्ट रहता है, तो ये क्यों है, क्योंकि इसमें नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा ये उसी तरह ये तो मॉइस्ट सरफेस को कवर करेगा, तो ये किसको करेगा कवर, इट कवर्स व्हाट, तो इट आल्सो कवर्स, बट इट कवर्स कौन सा सरफेस, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, ठीक है, तो स्किन का ड्राई सरफेस, क्यों, क्योंकि ऊपर से पानी जाने ही नहीं दे रहा है, नहीं जाने दे रहा है, तो सरफेस क्या होगा, ड्राई होगा, ठीक है। तो पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू कवर्स द ड्राई सरफेस, तो आंसर क्या हो जाएगा, केराटिनाइज्ड स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। ये हो गया डिफरेंस, अच्छा ये तो अब हम बताए थे कि कंपाउंड एपिथेलियम का काम है प्रोटेक्शन मेनली, ठीक है, मेनली प्रोटेक्शन करना, ठीक है, तो प्रोटेक्शन तो करेगा है, ठीक है, प्रोटेक्ट किससे करेगा, कोई भी मैकेनिकल इंजरी है उससे, तो एक्चुअली में ये वाला क्या हो गया, इनका काम मेनली क्या होगा, ये प्रोटेक्ट करते हैं, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, और अब्रेशन करते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्चुअली में ये प्रोटेक्ट करेंगे किसी भी ये मैकेनिकल इंजरी वगैरह से, ठीक है, जैसे स्किन है तो स्किन क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रहा है ना, तो ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, ये तो प्रोटेक्शन भी काम है, ये क्या करेगा, ये तो है ही, इट कैन नॉट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, एंड यहां पर हम कहेंगे एंड ये करेगा, लेकिन बहुत ही कम, ज्यादा नहीं, अंदर क्या प्रोटेक्शन करेगा, आप खुद बताइए, माउथ में बकल कैविटी है, फैरिंग्स है, ठीक है, और इसोफेगस है, तो इनमें प्रोटेक्शन का ज्यादा नहीं है, तो कह सकते हैं कि दे अफोर्ड मॉडरेट प्रोटेक्शन, ठीक है, तो एंड कैन अफोर्ड, यहां पर लिख दे रहे हैं एंड कैन अफोर्ड मॉडरेट प्रोटेक्शन, कम प्रोटेक्शन, मॉडरेट प्रोटेक्शन, ठीक है, फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी और अब्रेशंस, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि ये करता है, कह सकते हैं कि इनमें कह सकते हैं कि दोनों में डिफरेंस केराटिन इसमें होगा,
ठीक है, इसमें केराटिन नहीं होगा, ठीक है, इसमें नॉन न्यूक्लिएटेड और डेड हो गए हैं, इसमें न्यूक्लिएटेड और लिविंग है, ठीक है, इनमें कैसा है बताइए, लिविंग, ठीक है, इनमें कह सकते हैं तीसरा कि ये लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट कर सकता है, जिसके कारण रोक दिया तो सरफेस कैसा हो गया, ड्राई सरफेस, ठीक है, तो इसमें सरफेस ड्राई हो गया, ये क्या है, कैनोट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, पानी को जाने से रोक नहीं सकता है, तो नहीं रोकेगा तो बाहर क्या होगा, सरफेस मॉइस्ट सरफेस होगा, ठीक है, तो ये सरफेस कैसा होगा, ये मॉइस्ट सरफेस होगा, तो ये सब डिफरेंस है। और आप ये भी कह सकते हैं इनका काम क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, तो यहां पर लिख देना सीधे, मैक्सिमम क्या काम है, प्रोटेक्शन, PROTECTION, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एब्रेशन, तो यहां पर काम क्या है, मेन प्रोटेक्शन है, लेकिन यहां पर भी काम है, लेकिन मॉडरेट कम प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये सब अंदर है ना, अंदर क्या प्रोटेक्शन करेगा, तो ये क्या हुआ, मॉडरेट प्रोटेक्शन है इनका, ठीक है, तो ये दोनों में एक तरह से डिफरेंस हो गया, ठीक है, दोनों में एक तरह से डिफरेंस हो गया। अब हम क्या देखेंगे, एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें, तो नेक्स्ट है एग्जांपल्स, ठीक है, तो एग्जांपल्स ये याद रखेंगे, तो इसमें एग्जांपल्स जो होगा क्या हो जाएगा, स्किन, ठीक है, तो स्किन हो जाएगा, ये जो देख रहा है आउटर मोस्ट स्किन, तो ये एग्जांपल हो गया स्किन, ये ठीक है, उसी तरह ये जो देख रहा है नेल्स वगैरह, ये सब केराटिन का डिपोजिशन होता है, ठीक है, तो ये नेल्स वगैरह में, ठीक है, इसके बाद हॉर्न्स होते हैं ना सिंह वगैरह एनिमल में, तो वो हॉर्न्स हो गया, ठीक है, इसके बाद स्केल्स देखे हैं, रेप्टाइल्स में स्केल्स होता है, बर्ड्स में फेदर्स होता है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ दैट इज केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, तो इसमें याद रखना है कौन सा, इसमें आपको याद रखना है स्किन, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन, ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसमें तो इसमें एग्जांपल्स हो जाएंगे, ये लीजिए एग्जांपल्स, तो अभी जो बोले हैं एग्जांपल्स सारे हो गए इसमें, ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा, तो इसमें एग्जांपल्स हो जाएगा, अभी बताएं यहां से चालू करते हैं, बकल कैविटी, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बकल, बकल और ओरल कैविटी भी कहते हैं इसको, बकल और ओरल कैविटी, ठीक है, इसके बाद बकल कैविटी के बाद जाते हैं आगे, यहां फैरिंक्स कहलाता है, फिर इसोफेगस, तो ये हो गया फैरिंक्स, फैरिंक्स, फिर इसोफेगस, ठीक है, इसोफेगस, ठीक है, तो ये सब आपको एनसीईआरटी में सब मिलेगा, इसोफेगस, फैरिंक्स, बकल कैविटी सब याद रखेंगे, ठीक है, इसके बाद कौन सा हो जाएगा, इसोफेगस के बाद क्या देखते हैं, स्टमक होता है, तो ये सब देखे थे, स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन सब में क्या था, कॉलुमनर एपिथेलियम था, सिंपल कॉलुमनर एपिथेलियम पूरा रेक्टम तक, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो गया, और भी बताए थे, आई का कॉर्निया, तो कॉर्निया ऑफ आई, ये भी हो गया एग्जांपल, ठीक है, कॉर्निया ऑफ आई, ठीक है, और क्या होगा एग्जांपल, फीमेल में बताए थे वजाइना, ठीक है, तो वजाइना फीमेल, इसी में लिखते हैं एनल कनाल, ठीक है, एनस में जो कनाल होता है वो वाला, उसको हम कहते हैं एनल कनाल, ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये सब एग्जांपल। अगर इसके अलावा आपको कुछ देगा, चीक, चीक यही ना है अंदर, चीक, तो चीक भी हो जाएगा, ठीक है, मतलब जितने भी मॉइस्ट सरफेस आपको दिखेंगे सब क्या होगा, सब में कौन सा होगा, सब में होगा दैट इज नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, तो ये स्क्वैमस दो हो गया, कौन कौन सा, दो नॉन केराटिनाइज्ड और केराटिनाइज्ड, ये दोनों, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया, और ये आपको याद रखना है कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, ठीक है, और ये क्या है, ये एग्जांपल्स याद रखने, ठीक है, ये हो गया। सेकंड देखना है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या है क्यूबॉइडल, तो क्यूबॉइडल कहां पाया जाएगा, तो ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो भी देखेंगे ना स्ट्रेटिफाइड, ये डक्ट्स जो होते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड है, सीबेसियस ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड है, तो उसका डक्ट होगा ना जिससे कि मिल जाएगा मेमोरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड है तो स्वेट निकलेगा जिससे डक्ट, तो डक्ट के इनर लाइनिंग में पाया जाता है ये, ठीक है, कौन सा क्यूबॉइडल, लेकिन क्यूबॉइडल में भी सिंपल क्यूबॉइडल नहीं, कौन सा स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, तो ये कहां पर पाया जाएगा, लिख दे रहे, इट इज फाउंड इन द इनर लाइनिंग ऑफ वाटर डक्ट्स ऑफ कौन सा ग्लैंड्स,
कैसे ग्लैंड जो कि सिक्रीशन कर रहे हैं ना, तो डक्ट्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स लिख दे रहे हैं जो कि सिक्रीशन करते हैं, डक्ट्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी वगैरह में दिया हुआ है इट इज प्रेजेंट इन द इनर लाइनिंग ऑफ व्हाट, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स दे दिया है सीधे। तो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स मतलब आपको समझ लेना है कि सिक्रीटरी ग्लैंड। ठीक है, डक्ट्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो डक्ट्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स आपको याद रखना है। तो ये हो गया दो और ये तीसरा। ठीक है, ये अब जैसे कि फॉर एग्जांपल डक्ट्स ऑफ सिक्रीटरी ये, तो इसमें एग्जांपल भी दे दिया है आपको एक दो। ठीक है, तो एग्जांपल आप क्या कर सकते हैं, डक्ट्स ऑफ आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ तो आप कह सकते हैं स्वेट ग्लैंड हो सकता है। ठीक है, कौन सा होता है, सीबेसियस ग्लैंड हो सकता है, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, डक्ट्स ऑफ दिस एग्जांपल देख रहे हैं तो यहां पर लिख दे रहे हैं डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड। ठीक है, मेमरी ग्लैंड कुछ भी हो सकता है, जितने भी ग्लैंड देख रहे हैं ये सब। ठीक है, ये और भी दिया हुआ है आपके, तो ये पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, डक्ट्स ऑफ दिस ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, डक्ट्स ऑफ स्वेट ग्लैंड, सीबेसियस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, ये सब। ठीक है, उसी तरह और भी आपको एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है कौन सा, दिया हुआ है सैलिवरी डक्ट। और पैनक्रियास में जो डक्ट होता है ना, पैनक्रियास वो भी तो ग्लैंड ही है ना, पैनक्रियास इज ऑल्सो अ ग्लैंड। तो पैनक्रियाटिक डक्ट आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है। पैनक्रियाटिक डक्ट का लाइनिंग क्या है, क्या का बना हुआ है, क्यूबॉइड। ठीक है, सैलिवरी डक्ट, डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड कह सकते हैं। ठीक है, तो डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, तो इसको हम कह सकते हैं डैट इज सैलिवरी डक्ट। ठीक है, चाहे डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड। तो ये दोनों आपके एनसीईआरटी में, डक्ट एंड सैलिवरी डक्ट आर लाइंड बाय व्हिच एपिथेलियम, तो इट इज लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे ये दोनों डक्ट, हालांकि यही नहीं कोई भी डक्ट है, सब एग्जाम्पल्स हो जाएंगे क्या, ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, आपको दिया हुआ है। यहां देखते हैं कॉलुमनर तीसरा। ठीक है, तो कॉलुमनर में जो है इसमें ज्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है, ये दो तरह कॉलुमनर होंगे और इसमें क्या हो सकता है कि इसमें सीलिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर सीलिया होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर सीलिया इसमें पाया जाता है तो इसको हम सीलिएटेड कहेंगे, सीलिएटेड। अगर सीलिया नहीं पाया जाएगा तो क्या कहेंगे इसको हम, नॉन सीलिएटेड। तो दोनों हो सकते हैं, सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक दो एग्जांपल्स है कौन कौन सा है, तो सीलिएटेड का एग्जांपल्स जो है सीलिया जहां पाया जाएगा और वो बहुत सारा लेयर है कॉलुमनर, तो इसको हम कहते हैं दैट इज नोन एज लैरिंग्स, LARYNX, साउंड बॉक्स जो होता है लैरिंग्स ट्राकिया के ऊपर वो। ठीक है, लैरिंग्स में उसी तरह देखेंगे कि लैरिंग्स के बाद ठीक है एक होता है एपिग्लॉटिस, इधर लिखेंगे इधर एपिग्लॉटिस। ठीक है, और इधर एक और एग्जांपल आप याद रखिएगा। ठीक है, लैरिंग्स है एपिग्लॉटिस और इधर सिलिएटेड में यूटेरस, तो यूटेरस बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है। ठीक है, तो लैरिंग्स यूटेरस दो ही एग्जांपल याद रखिएगा, इधर एपिग्लॉटिस। ठीक है, तो याद रखेंगे यूटेरस, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर पूछ देंगे कि सीलिया कहां कहां पाया जाता है, तो देखिए यहां पर सीलिया इसमें भी पाया जा रहा है, तो कंपाउंड में एक जगह सीलिया पाया जा रहा है, कहां पर, कॉलुमनर वाला में। ठीक है, यानी यूटेरस में भी छोटे छोटे क्या होता है, सीलिएटेड एपिथेलियम होते हैं सीलिया। ठीक है, याद रखेंगे, तो जैसे आ रहा है तो उसमें भी थोड़ा कंडक्शन वगैरह कुछ मेहनत करेगा अपना, तो सीलिएटेड हल्का होता है, तो सीलिएटेड एपिथेलियम जो यूटेरस में है वो सिंपल वाला नहीं है, कॉलुमनर है लेकिन सिंपल नहीं है, कंपाउंड है, दैट इज स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स याद रखेंगे और जो एनसीईआरटी में दिया हुआ उसको तो पूरा याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया तीनों, ट्रांजिशनल और यूरेथेलियम स्ट्रेचेबल। तो इसमें हम बताए थे कि एक्चुअली में वैसा ये ऐसा एपिथेलियम है जिसमें कि बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होता है, नहीं होता है, बता चुके हैं, फिर से कर रहे हैं, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो आप खुद बताइए ये एपिथेलियम टिश्यू क्या पर होता था, इट रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन,
और वो कहां होता था, कनेक्टिव टिश्यू पर। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ही नहीं है तो कह सकते हैं दूसरा पॉइंट, इट डायरेक्टली रेस्ट अपॉन वाटर, इट डायरेक्टली रेस्ट अपॉन कहां पर, कनेक्टिव टिश्यू। तो सीधे ये कनेक्टिव टिश्यू पर ही पाया जाता है, कौन सा, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड नहीं, ट्रांजिशनल। ठीक है, तो याद रखेंगे डायरेक्टली रेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, डायरेक्टली प्रेजेंट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, यही है बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद ये क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, कह सकते हैं तो लिख दे रहे हैं इट इज मेड अप ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, ठीक है, 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स, कितने, 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, बट कहां पर, 5 to, जैसे कि बताया था ना यूरिनरी ब्लैडर, तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के एग्जांपल बताए थे। ठीक है, फिर भी यहां पर ड्रॉ कर दे रहे हैं एक बार फिर से, तो यूरिनरी ब्लैडर अगर देखेंगे तो ये देखिए इस तरह से था। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हम ये बताए थे इस तरह से बना ही दे रहे हैं, ये देखिए ये इस तरह से किडनी था, ये किडनी था। ठीक है, क्या था, दिस इज किडनी। ठीक है, तो किडनी ये था ऐसे। ठीक है, और यहां से जो निकलता था उसको क्या कहते थे, ये ब्रॉड है ना, मोटा है थोड़ा सा। ठीक है, ये भी क्या है, थोड़ा सा मोटा है ऊपर और फिर आके नीचे इस तरह पतला हो रहा है। तो ये ब्रॉडर जो पार्ट है ना, ये एक्चुअली में दिस इज यूरेटर, क्या कहते हैं इसको, यू, दिस इज नोन एज यूरेटर। ठीक है, दिस इज नोन एज यूरेटर। ठीक है, तो ये यूरेटर जो देखेंगे एक्चुअली में ये वाला है, ये URETER, यूरेटर। ठीक है, क्या है, यूरेटर। इसी यूरेटर का ऊपर जो है एक्सपेंडेड पोर्शन है ना, इस एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूटेरस इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज रीनल पेल्विस, क्या कहते हैं इसको, रीनल पेल्विस। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, रीनल पेल्विस। व्हाट इज रीनल पेल्विस, इट इज एक्चुअली एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यू, सॉरी एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ यूरेटर। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये नीचे आता है तो जो भी फिल्ट्रेशन हुआ ये नीचे आया तो यहां देखिए इस तरह से ऐसे होता है। ये क्या है, ये जो देख रहे हैं दिस इज यूरिनरी ब्लैडर इस तरह से, और ये क्या है नीचे, ये यूरेथ्रा, नीचे आपको मालूम है क्या है, ये यूरेथ्रा। तो ये नीचे वाला पोर्शन क्या है, URETHRA, यूरेथ्रा है नीचे। ठीक है, आपको मालूम है ये। ठीक है, नीचे यूरेथ्रा, इसको लीजिए। ठीक है, यूरेथ्रा ये वाला, ये पोर्शन, दिस पोर्शन इज यूरेथ्रा। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये बंद है सर, अब ये क्या हो गया है, ये वाला जो लेयर देख रहे हैं क्या है, दिस लेयर इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर। अब ये लेयर जो होते हैं ना, बहुत सारे लेयर हैं, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये एक लेयर है, कोई भी सेल्स है ये एक लेयर है, तो ये लेयर ऑफ सेल्स जो होते हैं ये कैसे हैं, लेयर ऑफ सेल्स ये, दिस इज ओवल, कैसे हैं ये देख रहे हैं कैसे हैं, ओवल, ध्यान दीजिएगा ये ओवल होते हैं। ठीक है, दिस इज ओवल सेल्स है, तो आउटर सेल्स है, क्या है ये आउटर सेल्स है, ऐसे दिख रहे हैं, तो ये आउटर सेल्स है, कौन सा सेल्स है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो ये आउटर सेल्स है, तो आउटर सेल्स इसमें कैसे होते हैं, ये ओवल होते हैं, कैसे होते हैं, ओवल, गोल गोल। ठीक है, इसके बीच में फिर देखते हैं कि और भी सेल्स और भी हैं, तो और जो देखेंगे वो क्या हो गया, पॉलीहेड्रल वगैरह, पॉलीगोनल होते हैं, तरह तरह के, कुछ ऐसे हो गए एक लेयर। ठीक है, कुछ ऐसे हो गए, मतलब कि कोई शेप पॉलीगोनल होते हैं, ऐसे ऐसे दो लेयर, तो ये देखिए दो लेयर, तो ऐसे ऐसे बना दे रहे हैं दूसरा कपड़ा से, तो ये पॉलीगोनल है, तो एक लेयर नहीं है, 3-4 लेयर। तो मिडिल लेयर जो है ना, आउटर तो एक ही लेयर है, लेकिन मिडिल लेयर क्या है, ये पॉलीगोनल होते हैं सेल्स के, बहुत सारे लेयर्स हैं, ये देखिए ऐसे, तो ये क्या हुआ, ये कह सकते हैं दिस इज मिडिल सेल्स। ठीक है, तो ये आउटर सेल्स था और ये क्या है, मिडिल सेल्स है, तो ये देखिए आउटर सेल्स और मिडिल सेल्स, आउटर सेल्स कैसे हैं, ये ओवल है। ठीक है, और मिडिल सेल्स, और मिडिल सेल्स कैसे हैं, ठीक है, तो ये देखिए कैसे हैं, तो मिडिल सेल्स जो है पॉलीगोनल, तो यहां पर लिख दे रहे हैं कैसा है, ये पॉलीगोनल है।
करा करा के, ठीक है, पॉलीगोनल। और ये क्या है, कह सकते हैं मिडिल होगा, ये कह सकते हैं ज्यादा लेयर्स है। जैसे कि आप सपोज करिए कि यहां पर क्या लिखे, इट इज मेड अप ऑफ 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स, देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हैं ये कितना होगा, 3 से 5 लेयर होगा, ठीक है, 5 लेयर्स होगा इसके, ठीक है। और ये कितना है आउटर वाला, 1 लेयर है, सिंगल 1 लेयर, ठीक है। और अंदर देखेंगे, क्या देखेंगे, इनर, तो इनर भी क्या देखेंगे कि अंदर भी होगा 1 लेयर, ठीक है। तो अंदर जो लेयर ऑफ सेल्स है वो कैसा है, क्यूबॉइडल टाइप का है, ऐसे बना दे रहे हैं इस तरह से, कैसा है ये क्यूबॉइडल, तो ऐसे से बना दे रहे हैं, कैसा है ये क्यूबॉइडल, इस तरह से ऐसे होते हैं। तो ये कौन सा है, दिस इज आउटर, ये अंदर इनर, इसको कहेंगे इनर सेल। तो इनर सेल जो है वो क्या के बने हुए हैं, कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल, ठीक है, क्यूब जैसे, ठीक है। तो एक्चुअली में ये कितना हो गया, ये भी 1 लेयर, ठीक है। ये कितना था, 3 से 5 लेयर मिडिल, और ये कितना है, 1 लेयर, ऐसे। मतलब हम ये कहना चाहिए कि रेस्टिंग स्टेज है, अगर यूरिनरी ब्लैडर का एग्जांपल देख रहे हैं तो रेस्टिंग स्टेज में देख रहे हैं, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर ऑफ सेल्स, 5 to 7, ठीक है, 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स ऑफ, अब देखिए 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स है, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 ऑफ सेल्स ऑफ, कैसा कर सकते हैं, साइज कैसा है, डिफरेंट है कि सेम, डिफरेंट, ठीक है। तो ऑफ डिफरेंट शेप, साइज नहीं सेम, ठीक है, ऑफ डिफरेंट शेप, कोई ओवल है, कोई पॉलीगोनल है, कोई क्यूबॉइडल, कब, एट रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, एट रेस्टिंग स्टेज, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज मेड अप ऑफ 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप, देख रहे हैं ये से, सिर्फ एट रेस्टिंग स्टेज ऐसा है। लेकिन सपोज के लिए यूरिनरी ब्लैडर में आके यूरिन भर रहा है, यहां पर क्या भरेगा, ये यूरिन भरने लगा, अब यूरिन भर गया और इसको अकोमोडेट करना है, और भी स्पेस क्या करना है, इसको और भी स्पेस इसको बनाना है इसमें, तो क्या होगा, तो जो अब और स्पेस बनाना है तो उसके लिए क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा ना, तो ये स्ट्रेच होगा, क्योंकि स्ट्रेचेबल है तो ये स्ट्रेच होगा, और ये 5 से 7 था ना, तो 3 से 5 लेयर हो जाएगा, मतलब मिडिल वाला थोड़ा, ये सब क्या हो गया, स्ट्रेच हो गया, ठीक है, स्ट्रेच हो गया, लेयर कम हो गया, और सभी के सभी कैसे शेप थे, डिसिमिलर थे ना, डिफरेंट शेप थे ना, सब स्ट्रेचिंग के बाद सारे के सारे सेल्स कैसे होते हैं, स्ट्रेचिंग के बाद ये एक ही शेप अक्वायर कर लेता है, और कैसा शेप होता है, फ्लैटेंड सेल्स, फ्लैटेंड मतलब स्क्वायमस हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना है। तो यानी कि इट इज मेड अप 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स ऑफ कैसा, ऑफ डिफरेंट शेप, याद रखना है, एट रेस्टिंग स्टेज, ठीक है, तो रेस्टिंग स्टेज, बट कह सकते हैं, बट इट चेंजेस, ठीक है, टू, इट इज मेड अप 5 to 7 लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट से एट रेस्टिंग स्टेज, बट डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, ऐसे लिख देते हैं, इट चेंजेस इनटू, बट डिपेंडिंग, ज्यादा यूरिन अकोमोडेट करना है तब, डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इट स्ट्रेचेस, स्ट्रेच कर सकता है, एंड रिड्यूस इनटू, ठीक है, तो सीधे लिख रहे हैं, बट डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इट रिड्यूसेस टू कितना लेयर्स, रिड्यूसेस टू 3 to 5 लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है, इतना लेयर बना दिया ऑफ सेल्स, ठीक है, और इतना लेयर ऑफ सेल्स ऑफ सेम शेप, और ये सेम शेप जो होता है, सेम जो होता है वो कितना कैसा, तो आपको लिख दे रहा है फ्लैटेंड, सारे के सारे फ्लैटेंड सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं कब, सेम शेप फ्लैटन सेल्स ड्यूरिंग, चाहे एट कौन सा स्टेज, स्ट्रेचिंग ना, एट स्ट्रेचिंग स्टेज, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्ट्रेचेबल होता है, स्ट्रेचेबल कहने का मतलब कि रेस्टिंग स्टेज है,
तो ये पांच से सात लेयर का बना हुआ है। अगर ये स्ट्रेचिंग स्टेज स्ट्रेच कर गया तो लेयर कम हो गया, और लेयर कम हो गया तो कितना हो गया, तीन से पांच घट गया ना। अब ये घट गया तो अंदर क्या हुआ, जगह ज्यादा हो गया टू अकोमोडेट मोर ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ऐसे को कहेंगे ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएंगे आगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपके सामने, रीनल पेल्विस, ठीक है। एग्जाम्पल कौन हो जाएगा, रीनल पेल्विस। व्हाट इज रीनल पेल्विस, एक्सपेंडेड पोर्शन ऑफ, एक्सपेंडेड इट इज एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ किसका है, यूरेटर। तो यूरेटर का ही एक्सपेंडेड पार्ट है, ठीक है। नीचे दूसरा एग्जाम्पल यूरेटर, तीसरा एग्जाम्पल यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, नेक्स्ट यूरेथ्रा। तो एक्चुअली में ये याद रखिएगा ये सब क्या हुआ, दिस इज एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड, कंपाउंड एपिथेलियम का क्लासिफिकेशन टाइप्स अलोंग विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए।